गिनती की पुस्तक अध्याय छः, गिनती की पुस्तक अध्याय छः। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, इस्राएलियों से कह कि जब कोई पुरुष व स्त्री नाजीर की भांति मन्नत अर्थात अपने आप को यहोवा के लिए न्यारा करने की विशेष मन्नत माने, तब वह दाख मधु आदि मदिरा से न्यारा रहे, वह न दाख मधु का न और मदिरा का सिरका पिए और न दाख का कुछ रस भी पिए, वरन दाख न खाए, चाहे हरी हो चाहे सूखी। जितने दिन यह न्यारा रहे उतने दिन तक वह बीज से ले छिलके तक जो कुछ दाखलता से उत्पन्न होता है उसमें से कुछ न खाए। फिर जितने दिन उसने न्यारे रहने की मन्नत मानी हो उतने दिन तक वह अपने सिर पर छुरा न फिराए, और जब तक वे दिन पूरे न हो जिनमें वह यहोवा के लिए न्यारा रहे तब तक वह पवित्र ठहरेगा और अपने सिर के बालों को बढ़ाए रहे। जितने दिन वह यहोवा के लिए न्यारा रहे उतने दिन तक किसी लोथ के पास न जाए, चाहे उसका पिता व माता व भाई व बहन भी मरे तो भी वह उनके कारण अशुद्ध न हो, क्योंकि अपने परमेश्वर के लिए न्यारे रहने का चिन्ह उसके सिर पर होगा। अपने न्यारे रहने के सारे दिनों में वह यहोवा के लिए पवित्र ठहरा रहे, और यदि कोई उसके पास अचानक मर जाए और उसके न्यारे रहने का जो चिन्ह उसके सिर पर होगा वह अशुद्ध हो जाए, तो वह शुद्ध होने के दिन अर्थात सातवें दिन अपना सिर मुंडाए, और आठवें दिन वह दो पंडुक व कबूतर के दो बच्चे मिलाप वाले तंबू के द्वार पर यहोवा के पास याजक के पास ले जाए, और याजक एक को पाप बलि और दूसरे को होम बलि करके उसके लिए प्रायश्चित करे, क्योंकि वह लोथ के कारण पापी ठहरा है, और याजक उसी दिन उसका सिर फिर पवित्र करे, और वह अपने न्यारे रहने के दिनों को फिर यहोवा के लिए न्यारे ठहराए, और एक वर्ष का एक भेड़ का बच्चा दोष बलि करने के लिए ले आए, और जो दिन इससे पहले बीत गए हो वे व्यर्थ गिने जाए, क्योंकि उसके न्यारे रहने का चिन्ह अशुद्ध हो गया। फिर जब नाजीर के न्यारे रहने के दिन पूरे हो उस समय के लिए उसकी यह व्यवस्था है, अर्थात वह मिलाप वाले तंबू के द्वार पर पहुंचाया जाए, और वह यहोवा के लिए होम बलि करके एक वर्ष का एक निर्दोष भेड़ का बच्चा पाप बलि करके और एक वर्ष की एक निर्दोष भेड़ की बच्ची और मेल बलि के लिए एक निर्दोष मेंढा और अखमीरी रोटी की एक टोकरी अर्थात तेल से सने हुए मैदे के फुलके और तेल से चुपड़ी हुई अखमीरी पपड़िया और उन बलियों के अन्न बलि और अर्घ ये सब चढ़ावे समीप ले आए। इन सबको याजक यहोवा के सामने पहुंचाकर उसके पाप बलि और होम बलि को चढ़ाए, और अखमीरी रोटी की टोकरी समेत मेंढे को यहोवा के लिए मेल बलि करके और उस मेल बलि के अन्न बलि और अर्घ को भी चढ़ाए। तब नाजीर अपने न्यारे रहने के चिन्ह वाले सिर को मिलाप वाले तंबू के द्वार पर मुंडाकर अपने बालों को उस आग पर डाल दे जो मेलबलि के नीचे होगी। फिर जब नाजीर अपने न्यारे रहने के चिन्ह वाले सिर को मुंडा चुके तब याजक मेंढे का पकाया हुआ कंधा और टोकरी में से एक अखमीरी रोटी और एक अखमीरी पपड़ी लेकर नाजीर के हाथों पर धर दे, और याजक इनको हिलाने की भेंट करके यहोवा के सामने हिलाए, हिलाई हुई छाती और उठाई हुई जांघ समेत ये भी याजक के लिए पवित्र ठहरे। इसके बाद वह नाजीर दाख मधु पी सकेगा। नाजीर की मन्नत की और जो चढ़ावा उसको अपने न्यारे होने के कारण यहोवा के लिए चढ़ाना होगा
उसकी भी यही व्यवस्था है। जो चढ़ावा वह अपनी पूंजी के अनुसार चढ़ा सके, उससे अधिक जैसी मन्नत उसने मानी हो, वैसे ही अपने न्यारे रहने की व्यवस्था के अनुसार उसे करना होगा। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, हारून और उसके पुत्रों से कह कि तुम इस्राएलियों को इन वचनों से आशीर्वाद दिया करना कि यहोवा तुम्हें आशीष दे और तेरी रक्षा करे, यहोवा तुझ पर अपने मुख का प्रकाश चमकाए और तुझ पर अनुग्रह करे, यहोवा अपना मुख तेरी ओर करे और तुझे शांति दे। इस रीति से वे मेरे नाम को इस्राएलियों पर रखे और मैं उन्हें आशीष दिया करूंगा।